शरायत साझादे घोषित करें कि इस चुनाव में ये अंबानी अडानी से कितना माल उठाया है। 7 चरणों में होने वाले लोकसभा चुनाव के पहले 3 चरण पूरे हो चुके हैं। सभी दल अब इसके 4th चरण जो कि 13 मई को होने वाला है उसकी तैयारियों में जुट गए हैं। इसी क्रम में पीएम नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना के करीम नगर में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। पीएम मोदी ने सवाल उठाया कि कांग्रेस और उसके शहजादे यानी राहुल गांधी ने अचानक अडानी अंबानी का नाम लेना क्यों बंद कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, पिछले 5 सालों से कांग्रेस के शहजादे दिन रात एक ही माला जपते थे। जब से उनका राफेल वाला मामला ग्राउंडेड हो गया तब से उन्होंने एक नई माला जपनी शुरू कर दी। सुनिए पीएम मोदी ने क्या कहा। तेलंगाना में कांग्रेस सरकार है, इन्होंने कालेश्वरम घोटाले की कोई जांच अभी तक नहीं करवाई, क्योंकि दोनों एक ही करप्शन सिंडिकेट का हिस्सा है। साथियों, इन दिनों तेलंगाना से लेकर दिल्ली तक डबल आर टैक्स की बहुत चर्चा हो रही है। ये डबल आर टैक्स माने आज तो तेलंगाना का बच्चा बच्चा जानता है। इसके पहले तेलुगु भाषा में ट्रिपल आर फिल्म आई थी। मुझे लोगों ने बताया कि डबल आर ने मिलकर के कलेक्शन में ट्रिपल आर को भी पीछे छोड़ दिया है। आप जानते हैं ना ट्रिपल आर का कितना कलेक्शन था? कहते हैं 1000 करोड़ से ज्यादा लाइफ टाइम कलेक्शन। कहने वाले कहते हैं इतना तो डबल आर टैक्स का सिर्फ कुछ दिन का कलेक्शन होता है। ऐसी लूट मचा रखी है इन्होंने। ये डबल आर एक आर तेलंगाना को लूटता है और लूट करके दिल्ली में दूसरे आर को देता है। ये डबल आर का खेल तेलंगाना को देखते ही देखते तबाह कर देगा। साथियों, आपने देखा होगा ये कांग्रेस के शहजादे पिछले 5 साल से सुबह उठते ही माला जपना शुरू करते थे। जब से उनका राफेल वाला मामला ग्राउंडेड हो गया तब से उन्होंने एक नई माला जपना शुरू किया। 5 साल से एक ही माला जपते थे। 5 उद्योगपति, 5 उद्योगपति, 5 उद्योगपति, फिर धीरे धीरे कहने लगे अंबानी अडानी। 5 साल से, लेकिन जब से चुनाव घोषित हुआ है इन्होंने अंबानी अडानी को गाली देना बंद कर दिया। मैं आज तेलंगाना की धरती से पूछना चाहता हूं, जरा ये साझादे घोषित करें कि इस चुनाव में ये अंबानी अडानी से कितना माल उठाया है, काले धन के कितने बोरे भर करके रुपये मारे हैं, क्या टेम्पो भर करके नोटे कांग्रेस के लिए पहुंची है क्या,
क्या सौदा हुआ है? आपने रातों रात अंबानी अडानी इनको गाली देना बंद कर दिया। जरूर दाल में कुछ काला है। 5 साल तक अंबानी अडानी को गाली दी और रातों रात गालियां बंद हो गई, मतलब कोई न कोई चोरी का माल टेम्पो भर भर करके आपने पाया है। मिथिलाराज, ये जवाब देना पड़ेगा देश को। कांग्रेस और बीआरएस के बीच जो एपीजमेंट का बॉन्ड है वो बहुत मजबूत है। इतने वर्षों से इन दोनों ने जैसे हैदराबाद को एमआईएम को लीज पर दे रखा था, पहली बार किसी ने एमआईएम को चुनौती दी तो बीजेपी ने दी। बीजेपी की चुनौती से एमआईएम तो घबराई हुई है, उससे ज्यादा कांग्रेस और बीआरएस घबराए हुए हैं। हैदराबाद में दोनों पार्टियां एमआईएम को जीतवाने में लगी है, दोनों उनको साथ दे रही है। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की रिपोर्ट।